देखिए, ऐसा संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार एक धार्मिक संशोधन बिल लाने जा रही है और धार्मिक धर्मादा कोई एक्ट लाने जा रही है। हम सभी संतों को मानना है कि उत्तर प्रदेश में अभी जो भी व्यवस्था है वह उचित है और सभी मठ मंदिर सुरक्षित हैं और उनकी एक गाइडलाइन है जिसका सब पालन भी कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। परंतु यदि कोई आवश्यक बिल लाना जरूरी है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करेंगे, क्योंकि वह भी एक संत हैं, संतों को किसी के अधीन रखना उचित नहीं है। आप ऐसा कानून लावें जो सरल हो और कोई भी मठ मंदिर सरकार के अधीन अधिग्रहण न हो। अभी तक ऐसा उत्तर प्रदेश कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार ऐसा कोई बिल आने जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा बिल की किसी, मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि बहुत ज़रूरी भी है तो अधिकारी लोग जो भी प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के सामने पेश करें, माननीय मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं और मठ के मठाधीश हैं, तो ऐसा सरल व्यवस्थित लावें जिससे किसी संत महात्मा को परेशानी न हो। सब मिला के मेरा ये कहना है कि संत महात्मा मठ मंदिर सरकार के अधीन न हो। हाँ, कोई आपकी कानून व्यवस्था हो या कोई गाइडलाइन हो, उसका पालन करने के लिए बाध्य होने का कानून लावे वो ठीक है, संतों की भी राय ली जानी चाहिए। और हमारा कहना यह है कि अगर उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ा प्रांत है तो उसमें सभी संतों की राय भी लेना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों की बात को भी लें और सभी धर्मदाता जो संत महंत हैं उनसे भी एक राय लेकर के तब ये बिल कानून के रूप में लाया जाए तो अच्छा रहेगा।